ਨਾਮਦਰੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ मोती बिहार हनुमान मंदिर से बोल रहा हूँ। आज हनुमान जयंती उत्सव है, बड़ी धामधूम से बढ़ाया जा रहा है। ये हर साल चैत्र कृष्ण पक्ष में पूर्णमासी के दिन हनुमान जी के जन्म उत्सव आता है, तो इस बार 3 साल के बाद मनाया जा रहा है। तो हर जम्मू वासियों को हनुमान जी की शुभ शुभ आशीर्वाद उनके बना रहे और बड़ी धामधूम से मनाया जा रहा है। हाँ, तो 12 बजे हमने पूर्णावती की, फिर उसके बाद आरती वगैरह सब कुछ विधि विधान से हुआ। 3 साल के बाद ये मनाया जा रहा है, कोविड काम नहीं होता था, क्या दुआ करना चाहिए? इसे 3 साल के बाद मनाया जा रहा है, पिछले 2 साल नहीं मनाया गया कोविड की वजह से, अभी मनाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहिए? हाँ, इस बार कोविड की वजह से 3 साल के बाद मना रहा है। इस बार अच्छी तरह जो हम बनाते थे जिस तरह से उस तरह बनाया, पूर्णावती की और कल भंडारा है, पूरा दिन भंडारा चलेगा एतवार को। क्या दुआ करेंगे कोविड सभी जम्मू वासियों के लिए? यही प्रार्थना है कि कोविड हमारे देश हिंदुस्तान के लिए, जहाँ पूरे वर्ल्ड के लिए कोविड से छुटकारा मिले, हनुमान के संकट मोचन है सबके, तो सबको इनसे छुटकारा मिले, हनुमान जी सब पर कृपा करें। कि हमें आज 2.5 साल के, मतलब 3रा साल ही समझिए, तो कोरोना की वजह से हम ये मना नहीं सके। पिछले हम 43 साल के करीब से ये महावीर जी की, भगवान हनुमान जी की जयंती हम इस बाजार में मनाते आ रहे हैं और इस मंदिर में। इस मंदिर का वैसे ही बहुत महत्व है, पुराने ज़माने से प्राचीन मंदिर है और यहाँ हर मनोकामना जो पूरी होती है, यहाँ ये कमेटी जो मंदिर कमेटी है हर वर्ष बड़े हर्षोल्लास से ये कार्य हम लोग यहाँ पर करते हैं लोगों के सहयोग से, और लोग भी यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से हमारा सहयोग करते हैं, मंदिर कमेटी का सहयोग करते हैं, और बड़े 3-4 दिन से हम बड़े धूमधाम से ये प्रोग्राम बना रहे हैं। और मैं ये मुबारकबाद देता हूँ सभी जम्मू वासियों को कि ऐसे प्रोग्राम जो हैं, जो हमारे मोती बाजार की एसोसिएशन और मंदिर एसोसिएशन के लोग हैं जो मिलकर काम करते हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि धार्मिक प्रोग्राम होने चाहिए। और ख़ास करके हम ये भगवान से प्रार्थना करेंगे आज इस मौके पर कि जो पिछले हमने 3 साल 2.5 साल जो कोरोना में देखे हैं, ये आने वाले दिनों में ये बीमारी मुल्क से ख़त्म हो और हमारे लोग सुखी रहे। हम यही सभी लोग मिलकर, कमेटी के लोग, बाजार के लोग, सारे शहर के लोग, सारे हिंदुस्तान के वासी, हम यही भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि हमें इस बीमारी से निजात दिलाई जाए और हमारे लोगों के जो सारे घरों में सुख शहर शांति हो, यही हमारे इस बार का यही उद्देश्य है। और मैं लोगों से प्रार्थना करूँगा कल जो लंगर यहाँ बांटा जाएगा उसमें पूरा पब्लिक जो हमारी सहयोग करे, ताकि रश हर्षोल्लास के साथ ये मनाया जाए, रश ना करें, भीड़ ना करें, जिससे लोगों को कोई नुकसान हो, बड़े अच्छे तरीके से भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। कल यहाँ 12 बजे से लंगर शुरू होगा, तो हम सभी लोगों को आमंत्रित कर कमेटी जो मोती बाजार प्राचीन हनुमान जी मंदिर की कमेटी जो है, ये सभी को सदर आमंत्रित करती है यहाँ पर लंगर का प्रसाद जरूर ग्रहण करें और बड़े शांतिपूर्वक ढंग से।